long and short. How far apart are the dots? ये dots एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? Okay, तो one question is here. Guess the distance between any two dots. How many centimeters is it? हमको कोई भी दो dots का दूरी हमको मालूम करना है ना, कितने सेंटीमीटर का है कोई भी दो डॉट. नाउ मेजर इट, उसको मापना है विद द हेल्प ऑफ स्केल. डिड यू गैस इट राइट? अब गैस तो कर सकते हैं कितना है, लेकिन हम कोई भी टू पॉइंट्स, दो बिंदु ले लेते हैं और उनको मापते हैं. जस्ट आई एम टेकिंग दिस स्केल एंड आई एम मेजरिंग ए एंड बी. ओके, I kept here A and B. Just time A and B. It is about 3 centimeter. It is about 3 centimeter. Okay. One is complete. Which two dots do you think are farthest from each other? ऐसे कौन से दो डॉट हैं जिनको कि आप समझते हो कि वो बहुत दूरी पर हैं? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तो ये डॉट M है और दूसरा जो दूरी पर डॉट हमको जो दिख रहा है दैट इज O, है ना. बोथ आर आई थिंक फर्देस्ट, सो आवर आंसर शुड बी डॉट्स M एंड O are furthest from each other. Dots M and dots O are furthest from each other, है ना. और अगर वो हमसे पूछता है, फिर ये पूछ रहा है check your answer. Okay, अगर हम इनकी दूरी निकालें M and O की, तो देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपके लिए. M and O ये निकाला मैंने, ये तो नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर है. ये तो ये है 10 सेंटीमीटर. इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपकी बुक में कुछ अलग सेंटीमीटर आ सकती है और इसमें अलग आ सकती है, क्योंकि मैं आपको एक अलग उससे पढ़ा रहा हूँ और आपकी बुक में एक पर्टिकुलर एक माप आएगी. आप सभी बच्चों की जो है ना एक पर्टिकुलर माप आएगी, मेरी कुछ अलग हो सकता है क्योंकि कहीं मैं कॉपी को इसको मैं कहीं जूम करता हूँ, कम जूम आउट करता हूँ, इसमें दूरी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है. तो बाकी आप डॉट्स का जो है ना, जैसे जी से एल हुआ है ना, जी से ई हुआ, ये आपको सबको करना है. इस सब की दूरी जो है ना आपको कैसे, ए से बी की दूरी, ए टू सी, ए टू डी, ये सारी आपको, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क. ओके, ये सब आपको होमवर्क में करना है. नाउ कम हेयर, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर. ऐसे दो कौन से डॉट हैं जो कि बहुत ही पास में हैं? तो कौन कौन से हैं दो डॉट जो बहुत ही पास में हैं, हम देखते हैं कौन से हैं. ओके, हेयर इज डी एंड ओ. ये डी एंड ओ डी एंड द डॉट्स डी एंड ओ आर नियरेस्ट टू ईच अदर. ओके, और इनकी डिस्टेंस निकालना तो मुझे लगता है जहाँ तक 1 सेंटीमीटर समथिंग होगी, तो ये आपको करना है. दिस इज कंप्लीटेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट, द शॉर्टर लाइन. ओके, द शॉर्टर लाइन. तो द शॉर्टर लाइन में क्या है, अकबर वाज अ फेमस किंग, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल. वंस अकबर गैव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, है ना. उसने लाइन एक फ्लोर पर एक लाइन खींच दी. तो बीरबल, अकबर की लाइन यह है, ये बीरबल, अकबर बीरबल से बोले, बीरबल हेयर इज़ अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल इस लाइन को बगैर मिटाए हुए इसको छोटी करके दिखाओ मेरी लाइन को. नाउ
फिर बीरबल बोला नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। तो बीरबल ने ऐसा क्या किया, बीरबल ने क्या किया, बीरबल ड्रू ए लॉन्ग लाइन। बीरबल ने क्या किया, ये अकबर की लाइन थी ये वाली, तो बीरबल ने उस लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींच दी। तो बीरबल ड्रू ए लॉन्ग लाइन बिलो द लाइन ड्रॉन बाई अकबर, है ना। तो उन्होंने उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी, तो अकबर की लाइन अपने आप छोटी हो गई। ओके, दिस वन इज कम्प्लीटेड। नाउ लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर लाइन शॉर्टर। तो अपन ने बता ही दिया। नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग जस्ट थिंक इज ओके वी हैव कम्प्लीटेड। नाउ ट्राई दिस, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म, है ना। लेफ्ट आर्म से आपका 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा बनाना है हमें, ठीक है ना। तो पहले तो हम उसका माप लेंगे ये कितने सेंटीमीटर का है। तो हमको ये है उसका, ये उसके हाथ पूरा 1 सेंटीमीटर का है, समथिंग 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर का है तो लेफ्ट आर्म, मेक अ राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए लेफ्ट आर्म, तो हम इसको 2 सेंटीमीटर का बना देंगे। 1 सेंटीमीटर का है तो हम इसका 2 सेंटीमीटर का बना देंगे। ये रखा और ये मैंने यहाँ पे इसका 2 सेंटीमीटर का ही मैंने इसका ये हाथ बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी कर सकते हैं हम, ये हो गया। नाउ ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। तो ये कप जहाँ तक है 2 सेंटीमीटर का, मैं ये माप लेता हूँ इसको। ये कप जो है ना पक्का 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। इट्स लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ये इट्स लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो हम इसका 1 सेंटीमीटर शॉर्टर, तो 1 सेंटीमीटर शॉर्टर कितना हुआ, इसका हाफ होगा जस्ट। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पर। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। और इतना बड़ा आपको हमको एक कप बना देना है, ये हो गया आपका। ओके, ये आपका 1 सेंटीमीटर का आपका कप हो गया। ओके, 1 सेंटीमीटर का हो गया ये 1 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम, है ना। ये जो आपको झाड़ू दिया गया है इससे आधा बनाना है। तो ये कितना बड़ा है, ये आप खुद कर सकते हैं आप चाहें तो। ये पूरा ये 5 सेंटीमीटर का लग रहा है मेरे पास, तो आपको 2.5, तो 2.5 कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसका आधा, 2.5 समथिंग, इतना आधा आ जाएगा यहाँ से लेकर इतना। और इसके बाद आपको इसका एक झाड़ू बना देना है, ठीक है ना। ये आधा झाड़ू आपको बना देना है, ठीक। नाउ कंप्लीटेड, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। तो ये जो ये हेयर है ये 1 सेंटीमीटर का है, तो हम इसका 2 सेंटीमीटर का बना देंगे। तो 2 सेंटीमीटर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर मुझे फिर से रखना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर थोड़ा इससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जस्ट डबल कर दो, ये हो गया 2 सेंटीमीटर का सोच लो। ओके, नाउ दिस वन इज कम्प्लीटेड। नाउ हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट्स, आपने मापी थी, यस। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, क्या आप सोचते हैं कि आप बढ़ गए हो। तो ये आंसर इसका हो, यस आई हैव ग्रू टॉलर, हाँ मैं थोड़ा सा बढ़ गया हूँ। हाउ मच, 6 और 7 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई बड़ी होगी। नाउ हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, तो आपके दोस्त भी बढ़ गए हैं, यस मोस्ट ऑफ देम, आपके कुछ जो साथ में आपके जो दोस्त पढ़ रहे हैं उनकी ऊंचाई भी बढ़ गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस मोस्ट ऑफ देम। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो, तो ये आपको डू योर सेल्फ, आपको खुद करना है। अपने दोस्तों के यहाँ पे नाम लिखना है जो भी हैं, जिसमें लिखता है विजय, मोहन, जगदीश, राजेश, अजय, तो उनकी हाइट लिखना है आपको यहाँ पर, है ना। लास्ट ईयर की, इस साल की हाइट लिखना है, ठीक है ना। और इसमें से आप कितना बढ़ गए, तो ये
इसमें से बड़ी इस हाइट में से ये वाली माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आप उसको करके लिखना है विथ हेल्प ऑफ योर टीचर यू मस्ट डू दिस वन, दिस वन ऑल्सो योर प्रोजेक्ट वर्क फॉर यू। नाउ कम, इस लड़की का नाम झुम्पा है। झुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट, हाउ टॉल इज़ झुम्पा। तो एक आदमी जो है ना, एक बार झुम्पा ने जो है ना एक सबसे लंबे वर्ल्ड के सबसे लंबे आदमी के बारे में पढ़ा, जिसकी ऊंचाई जो थी ना 272 सेंटीमीटर थी, जो कि झुम्पा की ऊंचाई से डबल थी। तो झुम्पा कितनी हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, हम इसमें 272 में 2 का डिवाइड कर देंगे, ये 7 है, तो ये 136 आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे, है ना, ये हो गया आपका। नाउ could you that person pass through the door of your classroom without bending, क्या आप सोचते हो कि वो जो 272 हाइट का जो आदमी है आपके रूम से गुजर जाएगा, आपके क्लासरूम से गुजर सकता है क्या? वो नहीं गुजर पाएगा। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 272 सेंटीमीटर, देन इट नो बिकॉज ऑफ द डोर ऑफ आवर क्लास रूम इज ओनली, वो छोटा होगा 228 सेंटीमीटर समथिंग का होगा, तो वो नहीं जा पाएगा। ठीक, ये हो गया। बिल हिज हैड टच द रूफ ऑफ यूर हाउस इफ ही स्टैंड, क्या अगर वो सीधा खड़ा हो जाए तो उसका सर आपकी छत को छू जाएगा? तो यस, बिकॉज द हाइट ऑफ माई क्लास रूम इज, जो भी आपकी रही होगी समथिंग 320 सेंटीमीटर समथिंग, तो वो छू जाएगा क्योंकि उसकी 272 है, तो छू सकती है। अब ये हो गया आपका, ये कंप्लीटेड। नाउ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली में लंबा बड़ा और बड़ा कौन है? हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपको लिखना है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, यू ओनली राइट। हु इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, आपको दोनों को मालूम करना, उनकी हाइट को डिफरेंस यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट होने वाली थी, तो उसमें क्या होने वाला था, हम यहाँ पर देखते हैं इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट में क्या होने वाला था। चलिए देखते हैं। दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। ये जो लड़की दिख रही है ये वाली, ये अरुंधति है। सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, तो ये जो 6 मीटर, ये अरुंधति जो ये बिनी लाइन है, ये 6 मीटर, ये यहाँ पर ये 6 मीटर लिखा हुआ है, इतनी दूरी बिनी लाइन पर है, ठीक है ना। बिहाइंड हर इज राधिका, दिस गर्ल इज राधिका, हाँ रेहाना, बिहाइंड हर इज रेहाना, सॉरी ये सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, बिहाइंड हर इज रेहाना। कोंकणा एंड उमा, कोंकणा ये दो लड़कियाँ, ये दो लड़कियाँ हैं ना यहाँ पर, ये कोंकणा और उमा है, आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस चुनना है, कौन सी, 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर्स के। तो हम देखते हैं हाउ फार इज रेहाना, रेहाना फ्रॉम अरुंधति, अरुंधति से रेहाना कितनी दूरी पर है, तो हम ये देखते हैं हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, तो रेहाना इज 3 मीटर फार फ्रॉम अरुंधति। तो ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपको बता दूँ मैं, ये अरुंधति है, अरुंधति से ये रेहाना की जो दूरी है मैंने यहाँ पहले माप के रखी है, दिस इज 3 मीटर। ओके, ये लिखा भी हुआ 3 मीटर। अब नेक्स्ट है तो यहाँ पे जाएगा 3 मीटर। हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा, कोंकणा और हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा,
अब जो रेहाना ये लड़की है वो उमा और उससे कितनी दूरी पर होगी? तो 10 तो हो नहीं सकती, 15 नहीं हो सकती, तो ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी हमारी 6 मीटर, ये लिख दिया है हमने, तो ये होगी हमारी 6 मीटर, क्योंकि हमको यहाँ यहीं से हमको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। अभी फिनिशिंग लाइन कहाँ पर है आपकी? फिनिशिंग लाइन ये है आपकी, ठीक है ना, दिस इज़ फिनिशिंग लाइन। कोंकणा और कितनी दूरी पहुँच सकती है? 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, 6 वो 3 9 और 9 और 6 15, देखिए ये 6, ये 6 ये वाले प्लस 3 ये वाले प्लस और ये 6 वाले, 6 और 6 6 और 3 9 6 15, तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 मीटर, तो ये हमारा ये नेक्स्ट हो जाएगा 15 मीटर। अब आपका आता है 10 मीटर वाला, कोई सा था क्या 10 मीटर का? नो प्रॉब्लम, नो दिक। अब ये हम चलते हैं, हाउ हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस? यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक अ 1 किलोमीटर, ओके, एंड 500 मीटर मेक हाफ अ किलोमीटर, ओके। तो इसमें हमें क्या बताना चाह रहे हैं ये? ओहो, इसमें हमें ये बताना चाह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, तो इसमें हमें ये बताना चाह रहे हैं, ओके, इसमें ये बताना चाह रहे हैं हमें कि ये हमने कंप्लीट कर लिया था, दिस वी हैव कंप्लीटेड, नाउ हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर 3000 मीटर, तो सो वी कैन से इन 1500 मीटर्स रेस पीपल रन 1500 मीटर रेस पीपल कितना दौड़ेंगे? 1100.5 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 km इक्वल टू 1000 मीटर, और 500 मीटर मीन्स हाफ मीटर, तो ये हो जाएगा 100.5 किलोमीटर। इन 3000 मीटर रेस पीपल रन, 3000 में क्या हो जाएगा? 3000 में ये होगा कि इट इज़ जस्ट डबल ऑफ 1500 मीटर, तो इसको, तो ये 3000 मीटर रेस पीपल मीन्स 3 किलोमीटर है ना, बिकॉज ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, अगेन 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, दिस इज टोटल 3000 मीटर, ओके। नाउ कम हियर, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेस races in which people have to run about 40 km. People run marathon on roads because the track of a stadium is only 400 meters. Okay. है ना, लोग 40 किलोमीटर की दौड़ मैराथन दौड़ते हैं, लेकिन जो स्टेडियम का जो रेडियस जो होता है, जो रोड होता है, वो 400 मीटर का होता है एक बार का। तो हम देखते हैं 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक, तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर वो 10 राउंड लगाना चाहता है तो 4 किलोमीटर का होगा, कैसे होगा? तो हम यहाँ पे कर देंगे 400 मीटर्स, है ना, 400 मीटर्स Now, 10 rounds of a stadium track, 10 rounds of a stadium track, 400 meter, this one is 400 meter, 400 meter multiply 10, then 400 का इसमें 10 में multiply हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 meters equal to 4000 divided by 1000 kilometer, ये हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4 kilometer, तो केवल यहाँ पर केवल 4 बच जाएगा, ओके। Now, so if you run
If you run a marathon on a stadium track, you will have to complete 10 rounds. तो कितना करना पड़ेगा हमको? 10 rounds. तो कैसे होगा 10? The number of round to be completed 40 multiply 1000, ये 40 multiply 100 divided by 400 is equal to 400 divided by 4000 divided by 400. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 40 निकलेगा, इससे ये कट जाएगा और ये सीधा निकल जाएगा आपका 10, ये वाला 10 जो निकला है ये 10 निकल जाएगा. तो ये 10 आया और तो इसका ये आया, ठीक है ना. नाउ ये कंप्लीट हो गया है. धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप. धनु नाम का जो धनु ने सबसे लंबी छलांग लगाई, वो लगाई 3 मीटर 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, है ना. और गुरजीत सेकंड आया. हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर कम है. 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है तो उसकी 20 सेंटीमीटर कम है तो उसकी होगी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. तो देखते हैं आगे हम. लेस देन धनु इज गोपीज कम्स थर्ड, है ना. गोपी थर्ड आया और उसकी कितनी है, उसकी 5 सेंटीमीटर कम है. लेस देन गुरजीत जंप, तो ये पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पे हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप. तो इसे समझने आने के लिए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ. चलिए ये देखिए सॉल्यूशन है आपका. धनुष जंप कितनी है, धनुष की जंप कितनी है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, ओके. गुरजीत की जंप कितनी है 20 सेंटीमीटर लेस देन धनु, इससे 20 सेंटीमीटर कम है. और गोपी की जंप कितनी है 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत, इससे 5 सेंटीमीटर कम है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. गुरजीत जंप बराबर धनुष जंप -20 सेंटीमीटर. हम क्या करेंगे, गुरजीत 20 सेंटीमीटर कम ही कूदा है ना, तो इसकी 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है. 40 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, धनु की जंप हमने ये लिख दी 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दी और इसमें से माइनस कर कितना कर दिया 20 सेंटीमीटर हमने कर दिया, क्योंकि 20 सेंटीमीटर वो कम कूदा था. तो हमने इसमें से माइनस 3 मीटर 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर हमने जब किया तो 3 मीटर का, तो 3 मीटर बच जाएगा इस 40 सेंटीमीटर में से, ये 20 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ओके. अब गोपी की सेंटीमीटर कितनी, गोपी की कूद कितनी है, गोपी जंप देखते हैं. तो धनुष जंप माइनस 5 सेंटीमीटर, है ना. वो 5 सेंटीमीटर कम कूदा था तो उसकी कितनी थी 3 मीटर 3 मीटर 40 सेंटीमीटर. तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर कम कूदा था तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसमें से 40 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कम कर देंगे, 3 मीटर का 3 मीटर रहेगा, 35 सेंटीमीटर में से 5 कटा देंगे 35 सेंटीमीटर बन जाएगा. दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. हम फिर से आ जाएंगे यहीं पर. चलिए तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर उसका, है ना. दोनों का हो जाएगा 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर, है ना. 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर. चलिए ट्राई एंड सी हाउ फार कैन यू जंप. आपको खुद करके देखना है. हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, आपको बॉल फेंक के देखना कितनी बॉल फेंक सकते हो. लुक फॉर ए बिग बॉल लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल. हाउ फार कैन यू किक इट, कितनी दूर तक आप किक मार सकते हैं, आपको मापना है उसको, ठीक है ना. ओके नाउ हेयर आर द, बहुत ध्यान देने की, जस्ट गिव योर कंसंट्रेशन हेयर, बहुत ध्यान देने योग क्वेश्चन है ये. इट मे बी आस्क इन योर एग्जाम. हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप. कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड है यहाँ पे, इंडियन रिकॉर्ड्स. हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जंप्स. तो देखते हैं यहाँ पे, ये हाई जंप का यहाँ पे दिया हुआ है, लॉन्ग जंप का दिया है. हाई जंप लॉन्ग जंप मैन का, मैन का, और ये हाई जंप वोमेन लॉन्ग जंप वोमेन, ठीक है ना. तो ये स्पोर्ट्स है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडियन रिकॉर्ड है. तो ये देखते हैं हम. तो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन आया है हमारे पास, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल. टेबल से हमको पता करना है. तो क्या पता करना है, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड
चंद्र पॉल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप, फॉर हाई जंप। तो इसमें है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप इज, हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, इसका है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चंद्रपॉल रिकॉर्डेड हाई जंप, चंद्रपॉल ने कितना कितना रिकॉर्डेड किया है, चंद्रपॉल ने चंद्रपॉल का नाम वेरी चंद्रपॉल, चंद्रपॉल ने किया है आपका 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम कह देंगे देयरफॉर मोर नंबर ऑफ सेंटीमीटर रिक्वायर्ड बाई चंद्रपॉल टू इक्वल मैंस हाई जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ये उसका 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है और चंद्रपॉल ने किया 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, है ना। ये इसका ये हो गया। नाउ तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से हम इसमें सीधा माइनस कर देंगे, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 17 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा आपका। आप कर सकते हैं, आप चाहो तो 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर और ये वाला जाएगा 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर, आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका जाएगा 2 मीटर से 2 मीटर कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आपका 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर जाएगा 28 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे जाएगा 28 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 28 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं इसको। नाउ अब आपका आ गया हाउ मैनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी अ जंप टू रीच 2 मीटर्स, है ना। बॉबी को 2 मीटर पहुंचने में कितना और कूदना चाहिए, बॉबी को हम बॉबी का देखते हैं कि बॉबी के लिए कितना चाहिए। तो बॉबी रिकॉर्डेड फॉर हाई जंप 1 मीटर, बॉबी का कहां पर है, ये है बॉबी का, ये है बॉबी ने रिकॉर्ड किया है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है रिक्वायर्ड सेंटीमीटर टू रीच टू 2 मीटर। तो ये पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर इन्होंने पूछा है 2 मीटर के लिए, तो सीधी सी बात है बॉबी के लिए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर तो कूदा है, 1 मीटर तो है ही, इस 91 में हम कितना कर देंगे 100 हो जाए, तो 9 ही तो करना है इसमें, तो प्लस 9 करना है, तो या तो इसमें से माइनस कर दें 2 मीटर में से 2 मीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है कि उसको प्लस 9 की आवश्यकता है। तो 2 मीटर 2 मीटर प्लस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर इक्वल टू 90 सेंटीमीटर आपका, और 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, ये आपको दिया भी है, इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। चाहो तो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, 2 मीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर और 1 मीटर है ना 100 सेंटीमीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सीधा 9 सेंटीमीटर सीधा सा, है ना, ये हो जाएगा। अब आ गया आपका तीसरा, गैलिनास लॉन्ग जंप इज नियरली, गैलिना कितने पास में है, तो गैलिना कहाँ पर है भाई, गैलिना ये है, तो गैलिना जो है ना, तो गैलिनास लॉन्ग जंप रिकॉर्ड इज कितना है इसका, 7 मीटर 552 सेंटीमीटर, ये तो सो इट इज़ वेरी नियरली कितने पास में है, इट इज़ वेरी नियरली 7.5 मीटर्स, 750 के बराबर ही है, 2 ही तो कूदी है, तो इट इज़ वेरी नियरली 7.5 मीटर्स, दैट इज़ ऑप्शन बी 7.5 मीटर, 7.5 मीटर कितना दौड़ी है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, यानी कि 2 ज़्यादा कूदी, इसका ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप, 4 नंबर का। तो ये हो गया वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप इज 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, ये है वुमेन वाला, है ना, ये वुमेन वाला है, ये है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप, वुमेन्स का लॉन्ग जंप का है आपका 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, ये वाला ये है।
तो इसमें से क्या करें, डिफरेंस क्या निकाल देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से हम कितना कितना कर देंगे 2 मीटर, इसमें से हम कर देंगे 2 मीटर, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, और उसमें से कर देंगे 7 मीटर, तो 7 मीटर में से माइनस कर, 7 मीटर माइनस 52 सेंटीमीटर, तो यह माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये सीधा बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 43 सेंटीमीटर और ये बच जाएगा 5 मीटर, ये आंसर हो जाएगा आपका। नाउ पी, इफ माइक पी कुड जंप, माइक पी कहाँ पर है भाई, माइक पी ये है, माइक पी, इफ माइक पी कुड जंप 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, है ना, इफ माइक पी कुड जंप सेंटीमीटर लॉन्गर हिज जंप वुड बी लाइक 9 मीटर, 9 मीटर हो जाए कितना, तो अभी माइक कितना कूदा, माइक कूदा 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 9 के इक्वल पहुंचने के लिए कितने की ज़रूरत है, उसके लिए प्लस 5 सेंटीमीटर की तो ज़रूरत है, तो इसमें आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ पर 8 मीटर तो कूदा ही है, 95 सेंटीमीटर है, तो 9 होने के लिए प्लस 5 हो जाएगा, है ना, कर देंगे ना, यस, करके दिखाऊं क्या, नो नहीं ना, चलिए। नाउ 6, हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर, किसकी हाई जंप जो है ना 2 मीटर के बहुत ही पास में है, तो हम देखते हैं किसकी हाई जंप 2 मीटर के पास में है, बिल्कुल, तो हम ये देखते हैं इसमें जेवियर की 2.2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, इसकी 8 मीटर है, और तो हम ये क्या कर देंगे, सीधा सा जेवियर ही है 2 मीटर, तो हम इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी जेवियर एस, ये पूछ रहे हैं ना क्लोज टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, तो 2.5 मीटर के बीच में यही होगी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा थोड़े अच्छे तरीके से, है ना। अब है रनिंग एक्सरसाइज, अब रनिंग एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, रनिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, तो द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट, ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, फार हाउ फार डिड ही रन, तो डॉक्टर ने उसको 2 किलोमीटर दौड़ने का कहा था, तो कितना क्या करेगा देवी प्रसाद, तो देवी प्रसाद रन 1 राउंड द फील्ड, अगर 1 राउंड दौड़ते हैं देवी प्रसाद तो 500 ये दौड़ेंगे 1 राउंड, 500 ये 1 राउंड, 500 ये दूसरा राउंड, 500 ये तीसरा राउंड और 500 ये चौथा राउंड, तो 5 5 हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200 मीटर, है ना, तो ये देखो 500 मैंने पहले भी जोड़ा है यहाँ पर, 500 + 500 + 500 तो 200 मीटर हो जाएगा, ये 200 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमको किलोमीटर में निकालना है, डॉक्टर ने उसको 2 किलोमीटर का कहा है, तो इसलिए हम 1000 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसका हम भाग दे देंगे तो ये 2 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर हम देखते हैं, चलिए अब आ जाएगा द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, सो ही चूज अ पार्क, उसने पार्क को चूज किया, द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर इसका, हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर करने के लिए उसे कितना करना पड़ेगा, तो 2 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगी, देखिए यहाँ पर समझिए 2 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1000 मीटर, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 2000 मीटर, ये हो जाएगा 2000 मीटर, अब 2000 मीटर, सो टू कंप्लीट 2000 मीटर देवी प्रसाद मस्ट कंप्लीट 2000 / 400 मीटर, 2000 / 400 मीटर, तो इसका सीधा सीधा 5 राउंड आ जाएगा, ठीक है ना। सो देवी प्रसाद हैज टू रन 5 राउंड्स ऑफ द पार्क, 5 राउंड्स वो करेंगे। चलिए
अब अगला आ जाता है हमारा यहाँ से वन डे। वन डे द वेदर वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड। आफ्टर 8 राउंड दैट डे ही रन 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो ये कैसे निकाला, कैसे किया हमने, बता देता हूँ मैं। तो देवी प्रसाद कवर्स डिस्टेंस इन 8 राउंड्स 400 मल्टीप्लाई 8 देन ये हो जाएगा 3200 मीटर। और फिर 3200 मीटर प्लस 200 मीटर तो ये सीधा हो जाएगा 3000 प्लस 200 तो सीधा हो जाएगा 3000 का हो गया 3 किलोमीटर और 200 मीटर का 200 मीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ये आप समझ गए होंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की जो लंबाई है या ऊंचाई, हम अगर हम समझ लें कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, कुतुब मीनार जो है ना वो दिल्ली में है कुतुब मीनार। और उसकी ऊंचाई जो है, कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72 मीटर समथिंग है कुतुब मीनार की हाइट। तो चलिए ये हो गया, ये हमारा कुतुब मीनार है, इसकी 72 मीटर समथिंग है, 72 मीटर्स। चलिए हाउ मैनी रूम्स हाई कुतुब मीनार, ये लिखा भी तो यहाँ पे द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। और अबाउट ये हाउ मैनी मीटर हाई इज़ योर क्लासरूम, आपको मालूम करना है। गेस हाउ मैनी रूम्स वन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार, ठीक है ना। तो ये सब आपको करना है, कैसे कैसे क्या है आपको अपने कमरे का निकालना है। चलिए हम यहाँ पे नीचे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि फ्रॉम कोझिकोड टू थैलाश्री सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज़ 24 किलोमीटर अवे। ये सुधीर है वो 24 किलोमीटर जाना चाहते हैं कोझिकोड के लिए। कोझिकोड इधर, सपोज मान लीजिए कोझिकोड यहाँ पर है, ये मैंने के लिख दिया, कोझिकोड इधर है और ये 24 किलोमीटर है, ठीक है ना, यहाँ से। तो अवे मांजनी इज़ गोइंग टू थैलाश्री, मांजनी इधर जाना चाहती, यहाँ पर जो है ना वो थैलाश्री है। तो मैंने आप ऊपर ही बनाया, आप ध्यान दे सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ये चीज़, आप ये समझ लीजिए यहाँ पर ये दोनों यहीं पर सुबेद खड़ा हुआ है और यहीं पर मांजनी खड़ी हुई है। तो यहाँ से वो जाता है 24 किलोमीटर, कोझिकोड 24 किलोमीटर है और मांजनी इधर जाना चाहती है 46 किलोमीटर है यहाँ पे थैलाश्री के लिए। तो द अपोजिट डायरेक्शन, हाउ फार इज़ अ कोझिकोड फ्रॉम द थैलाश्री, ये हमें मालूम करना है कि कोझिकोड से थैलाश्री कितने किलोमीटर है। आप देख लीजिए, तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम कोझिकोड, डी के मिला है मतलब लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम कोझिकोड। ये यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम कोझिकोड कितनी है, 24 लिख दिया मैंने, प्लस डीटी डिस्टेंस फ्रॉम थैलाश्री, तो इस जगह से कितनी है 46 है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया 24 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 70 किलोमीटर इस डिस्टेंस से है ना, यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई है 70 किलोमीटर टोटल, यहाँ से ये पूछ रहे हैं ना फ्रॉम कोझिकोड टू थैलाश्री, यानी टोटल ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जुड़ जाएगा 70 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमारी हो गई 70 किलोमीटर। चलिए निकल गया, अब हम चलते हैं यहाँ पर। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, आपका घर अपने स्कूल से कितनी दूरी पर, ध्यान देना है आपको। मोमन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, बहुत दूरी से आता है। ही फर्स्ट वॉक, पहले वो चलता है, अबाउट 400 मीटर वो चलता है। तो मोमन का ये घर, सोच लीजिए घर है, तो 400 मीटर वो चलता है, तो यहाँ से 400 मीटर यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, 400 मीटर टू द पॉन्ड, तो यहाँ से मैंने बना दिया है, यहाँ से वो यहाँ तक इस पॉन्ड तक 400 मीटर चलता है, ये लिख दिया मैंने। फिर विथ स्लीपर्स एंड हिज हैंड्स
हाथ में रखता है चप्पल को, क्योंकि पोंड आ जाता है, देन ही वॉक्स 150 मीटर। तो इस पोंड में वो 150 मीटर पानी में से निकलता है, 150 में लिख दिया है। देन नेक्स्ट ही रन्स क्रॉस द 350 किलोमीटर वाइड ग्रीन फील्ड। फिर यहाँ से इस पोंड में जैसे निकलता है और ये ग्रीन फील्ड में वो जाता है 350 मीटर जाता है। फिर देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर वाइड रोड। और ये जो रोड दिख रही है आपको, ये मैंने लिख दिया 40 मीटर वाइड रोड को क्रॉस करता है, रीच हिज स्कूल। तो हाउ मच डज मोमोन वॉक फ्रॉम एवरी डे टू रीच स्कूल, कितने रोज कितनी दूरी तय करता है। तो हम पहले ये 400 जोड़ दिया हमने, फिर ये वाला 150 जोड़ दिया, फिर ये वाला 350 जोड़ दिया, फिर 40 मीटर जोड़ दिया, फिर ये टोटल जोड़ दिया तो हमने कितना आ गया, 940 मीटर आ गया। तो ये इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर, है ना, इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर एज 940 मीटर इज लेस देन 1000 मीटर। ये 940 है जो कि 1000 से कम है। मुझे आशा है कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल इन द टेबल राइट द मीटर ऑफ किलोमीटर। यहाँ आपके दोस्तों के नाम लिखना है आपको, है ना, और कितनी दूरी पर रहते हैं। मनोज रहता है 4 किलोमीटर, नीलेश रहता है 3 किलोमीटर, संजय रहता है 1 किलोमीटर 200 मीटर, विनय रहता है, आपको सेम लिखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसी बेस पे आपको इनके आंसर भी लिखना है। हु अमोंग यू लिव्स नियरस्ट टू द स्कूल, संजय रहता है स्कूल के पास में, क्यों, क्योंकि संजय का 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है तो ये पास में रहता है संजय। दूसरा, हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से दूर कौन रहता है, सुनील रहता है, क्योंकि 5 किलोमीटर रहता है, और कोई नहीं रहता इनमें से 5 किलोमीटर। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम योर स्कूल, 1 किलोमीटर से कम कौन रहता है, सभी देखो यहाँ पे, ये 4 रहता है, ये 3 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 6 रहता है, तो नो वन लिख दिया। आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल, है ना, कोई आपके स्कूल के पास में रहता है, ये आपको अपने सुविधानुसार लिखना है। चलिए, इज देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल। तो सुनील लिख दिया हमने, ही कम टू स्कूल बाई बाइसिकल, हो गया गैस एंड फाइंड आउट करना है आपको। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन ए रील, जो रील जो रहती है उसमें वो जो धागा जो रहता है वो कितना लंबा रहता है, कि आपने कभी वो किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द लेंथ ऑफ थ्रेड डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ रील, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ रील, इट मे बी 50 मीटर्स, 100 मीटर्स और 200 मीटर और 500 मीटर्स और मोर, ठीक है ना, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, है ना, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। तो अकाइट रील मे बी 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर लॉन्ग, इट कैन बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, ओके, ये भी हो गया। अच्छा, नाउ थर्ड वन, इफ अ हैंकर चीफ इज अ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। तो इसका आंसर होगा, इफ ए हैंकर चीफ इज अ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड देन द लेंथ ऑफ थ्रेड मे बी अबाउट 5000 मीटर्स। नाउ दिस इज कंप्लीटेड, ये देखिए अभी सब आपको करना है। अब इसमें देखिए, विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मेनी रूम हाई वाज इट। तो आई सा कुतुब मीनार एज द हाईएस्ट, ओके, ये हो गया। हाउ हाई कैन ए काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार। तो इसका आंसर हो जाएगा, काइट मे गो अबाउट 100 मीटर हाई, यस। नाउ हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई। तो यस, अ प्लेन कैन फ्लाई मोर देन 10,000 मीटर, है ना, वो उससे उड़ सकता है उतनी ऊपर। अ प्लेन कैन फ्लाई मोर देन 10,000 मीटर्स
हाई, अ प्लेन कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, है ना, ये हो जाएगा। और नंबर फोर है, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने आपके नीचे कभी बादलों को देखा है।